दोस्तों आईपीएल 2023 के एडिशन का 26वां मुकाबला आज राजस्थान और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया था। इस मुकाबले में अब यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत के बाद आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में आईपीएल के अंक तालिका में बड़े बदलाव बड़े अलर्ट फिर हुआ। आपको इस वीडियो में आज के मुकाबले के बाद आईपीएल के नई पॉइंट्स टेबल बताइए कि तो आप वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी कोई भी खबर कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। अब हम बात करते हैं आज के मुकाबले बाद आईपीएल के नई पॉइंट्स टेबल की। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 10 के स्थान की। तो नंबर 10 पर अब भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। 5 मैच खेले 5 मुकाबले हार चुकी बिना किसी पॉइंट्स के साथ। नंबर पर ये टीम में बचे हुए 9 में से इस टीम को प्लेऑफ्स में जाने के लिए कम से कम 8 मुकाबले जीतने होंगे। आज इस टीम का यहाँ पर कोलकाता के खिलाफ काफी इंपोर्टेंट मुकाबला होगा। ये मुकाबला भी अगर ये टीम हार जाती है तो प्लेऑफ्स से ऑलमोस्ट बाहर ये टीम हो जाएगी। जबकि नंबर 9 पर हैदराबाद की टीम है, नंबर 8 पर आरसीबी की टीम है, नंबर 7 पर कोलकाता की टीम है। हैदराबाद आरसीबी कोलकाता ने 5-5 मुकाबले खेले, 2-2 मुकाबले जीते, 3-3 मुकाबले हारे, तो 4-4 पॉइंट्स के साथ हैदराबाद आरसीबी कोलकाता यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 नंबर 8 नंबर 7 पर बनी हुई। जबकि पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर मुंबई इंडियंस की टीम है, इसके साथ ही नंबर 5 पर पंजाब की टीम है, नंबर 4 पर गुजरात की टीम है और नंबर 3 पर चेन्नई की टीम है। दरअसल मुंबई पंजाब गुजरात के साथ ही चेन्नई ने 5-5 मुकाबले खेले, 3-3 मुकाबले जीते, 2-2 मुकाबले हारे, तो यहाँ पर कुल मिलाकर इन टीमों के यहाँ पर 6-6 पॉइंट से प्लेऑफ्स में जाने के लिए इन टीमों को अब यहाँ पर अपने बचे हुए यहाँ पर 9 मुकाबलों में से यहाँ पर केवल 5 मुकाबले जीतने, तो प्लेऑफ्स में जाने के काफी अधिक इन टीमों के चांसेस, स्पेशली पंजाब के भी काफी अधिक चांसेस। पंजाब का आज आरसीबी के खिलाफ मुकाबला, अगर पंजाब की टीम मुकाबला जीत जाती है तो पंजाब की टीम भी काफी ऊपर जा सकती है। जबकि पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर आज का मुकाबला हारकर राजस्थान की टीम आ चुकी है और नंबर 1 पर आज का मुकाबला जीतकर लखनऊ की टीम आ चुकी है। 6 दोनों टीमों ने 6-6 मैच खेले और 4-4 मैचों में इनको जीत मिली, 2-2 मैचों में हार मिली, तो 8-8 पॉइंट्स के साथ ये दोनों टीमें नंबर 2 नंबर 8 पर बचे हुए अपने यहाँ पर इन टीमों को बचे हुए 8 मुकाबलों में से प्लेऑफ्स के लिए 4-4 मुकाबले जीते हैं। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सी 4 टीमें इस साल प्लेऑफ्स में क्वालिफाई हो रही है, आप कौन सी 4 टीमों को आखिर प्लेऑफ्स में देख रहे हो। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।